ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। जय जिनेन्द्र। जितेंद्र भाई एवं उपस्थित सभी साधर्मिक भाइयों और बहनों, आज पर्युषण महापर्व का चौथा दिन है। आशा करता हूं कि आप सभी की तपश्चर्या सुख साता में व्यतीत हो रही है। तपस्वियों के लिए खूब खूब अनुमोदना। आज आदरणीय जितेंद्र भाई कल्पसूत्र में वर्णित भगवान महावीर के जीवन चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि उनकी आत्मा से परमात्मा बनने की अद्भुत एवं प्रेरणादायक यात्रा है। अभी मैं आदरणीय जितेंद्र भाई से निवेदन करता हूं कि वो हमें वितराग भगवान महावीर की इस अद्भुत आत्मधाम की यात्रा से लाभान्वित करें। धन्यवाद जितेंद्र। महेश भाई, आपको और जैना की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। इस कोरोना काल में आपने आराधना के लिए एक बहुत बड़ा निमित्त सबके लिए बनाया है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सभी श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमारे पर्युषण महापर्व का चौथा दिन है। पहले तीन दिनों में हमने अष्टांगिका व्याख्यान में श्रावक के महापर्व के कर्तव्य एवं वार्षिक कर्तव्यों के बारे में बहुत विस्तार से चिंतन किया। परंपरा के अनुसार आज से हम पवित्रतम ग्रंथ कल्पसूत्र के व्याख्यानों पर बात करेंगे। हमारा परम सौभाग्य है कि इन दिनों में हमें उत्तम ग्रंथों का श्रवण करने का अवसर मिला है। शास्त्रों में कहा गया है कि नारहतो परमो देवो न मुक्ते है परमं पदम न शत्रुंजया तीर्थम श्री कल्पान न परमं श्रुतम। इस श्लोक में चार परम की बात कही गई है। श्रेष्ठ, परम अर्थात श्रेष्ठ। इस संसार में चार बातें श्रेष्ठ हैं और उससे आगे कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा से ऊपर, उससे आगे कोई देव नहीं है। वितराग परमात्मा को श्रेष्ठ देव के रूप में इसलिए हम याद करते हैं कि उन्होंने बाहर के शत्रुओं को जीतने की कोशिश नहीं की, अपितु आंतरिक शत्रुओं को जीतने का पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, अपार संपत्ति और समृद्धि को छोड़ करके कर्म से बद्ध आत्मा को मुक्त करने की एक जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा की और वितरागत्व प्राप्त किया। न राग रहा, न द्वेष रहा, आत्मा अपनी मूल स्थिति में उजागर हो गया, निर्मल और निष्कलंक आत्मा बना। ऐसे परमात्मा, वितराग परमात्मा, जिनको किसी के स्तुति की या किसी के निंदा की कोई अपेक्षा नहीं है, तथापि मन के अंदर जगत के सभी जीवों को सुखी करने की उत्तम कल्याणकारी भावना मन में है, इसीलिए परमात्मा को सर्वोदयी भी कहते हैं, मतलब सभी के उदय की बात करने वाले। इससे बढ़कर और कोई देव नहीं हो सकते हैं।
और दूसरा परम दूसरी श्रेष्ठता की बात करते हुए कहते हैं कि इस संसार में मुक्ति से उत्तम और कोई स्थान नहीं है, मुक्ति ही श्रेष्ठ सर्वोत्तम स्थान है। शत्रुंजया तीर्थम न, और तीर्थों में शत्रुंजय से बढ़कर और कोई तीर्थ नहीं है। जब तीर्थ के यात्रा करते हैं, तीर्थ के लिए कहा गया है कि जो तारे वो तीर्थ, उस क्षेत्र की पवित्रता, उस क्षेत्र के गुणों के कारण हमारे मन के अंदर भी पवित्रता निर्मलता का अनुभव होने लगता है। तो ऐसे तीर्थ में सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ शत्रुंजय तीर्थ है। और श्री कल्पान न परमम श्रुतम, और श्रुत की अपेक्षा से देखें तो कल्प सूत्र से श्रेष्ठ और कोई सूत्र नहीं है। हमारे मन में इन चार बातों की श्रेष्ठता के विषय में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि वितराग परमात्मा ही श्रेष्ठ है, मुक्ति ही परम पद है, शत्रुंजय ही श्रेष्ठ तीर्थ है, और कल्पसूत्र उत्तम श्रुत है। इस श्लोक के द्वारा हमें ये बताया गया है कि भगवान की भक्ति, परम पद की प्राप्ति, तीर्थों में साधना का प्रयास और मन में श्रुत का भाव, श्रुत ज्ञान का भाव, वो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। इन चार बातों को यदि अपने जीवन में हम स्थान दे देते हैं, उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारा जीवन पवित्र, निर्मल, सुखदायी बनने लगता है। पर्युषण पर्व के दिनों में प्राचीन काल से ही कल्प सूत्र का श्रवण करना, पठन करना, ये परंपरा चल रही है। पूर्व काल में कल्प सूत्र अत्यंत पवित्रतम ग्रंथ के रूप में केवल साधु साध्वियों को ही इसका वांचन करने का और श्रवण करने का अधिकार था। श्रावक और श्राविकाओं के सामने यह ग्रंथ पढ़ा नहीं जाता था, सुनाया नहीं जाता था। किंतु परमात्मा महावीर के निर्वाण के पश्चात 980 साल के बाद वड़नगर के ध्रुवसेन राजा के पुत्र का अवसान हो गया। ये पर्युषण का समय था, उसी समय में राजा के पुत्र, राजपुत्र का अवसान होने से राजा अत्यंत दुखी था। किसी ने कहा कि आप महाराज श्री के पास जाओ और उनकी वाणी का श्रवण करो, शायद आपका दुख, आपके मन में जो शोक है, पुत्र वियोग का दुख है, वो दुख समाप्त हो सकता है। उस समय आचार्य श्री ने राजा को उपाश्रय में आकर के कल्प सूत्र का श्रवण करने के लिए कहा। तब से लेकर के आज तक प्रति वर्ष पर्युषण पर्व में कल्प सूत्र का श्रवण किया जाता है। कल्प सूत्र में तीन बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। शुरुआत में कल्प की बात कही गई है, कल्प अर्थात आचार, किस प्रकार का आचार होना चाहिए, जो आचार साधुओं को कर्म निर्जरा में निमित्त भूत बने और अपने आत्मा को निर्मल बना पाए, वो आचार की विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद
दूसरे विभाग में तीर्थंकर परमात्माओं के चरित्र का वर्णन किया गया है। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन गाथा का वर्णन सभी के लिए आनंददायक और सभी के लिए प्रेरणादायक है। जब हमें कोई ऐसा प्रेरक चरित्र सुनने को मिलता है तो हमारे मन के अंदर एक शुभ भाव, शुभ अध्यवसाय पैदा होता है। वंदितु सूत्र की जिसमें श्रावक के कर्तव्यों की बात कही गई है, व्रतों की बात कही गई है और व्रतों के अतिचार की बात कही गई है, उस सूत्र में अंतिम गाथाओं में ये कहा गया है, चिर संचीय पाव पनासनीय भवसय सहस महनीय विणिक गई कहाई वोलंतु में दिया हा। 24 जिन विणिक गई कहाई वोलंतु में दिया हा। चिर संचीय पाव पनासनी है, मतलब यह जीव, यह हमारी आत्मा अनादि काल से इस संसार के चक्र में परिभ्रमण कर रही है। कभी निमित्त पाकर के उत्थान कर लेती है, लेकिन वो उत्थान क्यों ना निमित्त मिलने पर पतन भी पाती है। हमने पार्श्वनाथ भगवान के भवों की बात सुनी है और आचार्य हरिभद्र सूरि ने समरादित्य केवली चरित्र में गुणसेन और अग्नि शर्मा के वैर भावों के कारण परस्पर अनेक भवों तक पतन और उत्थान की एक बहुत रोचक, प्रेरक, गंभीर और हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले कषायों का जो नाटक है वो हमें किस तरह से नचाता है, वो सारी बातें हमें ये समरादित्य केवली चरित्र में बहुत अच्छी तरह बताई गई है। कहने का मतलब यह है कि हमारी आत्मा पूर्व काल में इस अनादि काल के चक्र में फंसे होने के कारण कर्मों का बंध करता है, परम कर्मों का बंध करती है, उससे मुक्त होने के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन प्रयास पुरुषार्थ बहुत कम होता है और बंधन अधिक होता है। इसके कारण हमारे इस संसार से मुक्ति हो नहीं पाती है। उसका सरलतम मार्ग क्या हो सकता है वो इस गाथा में, वंदिता सूत्र की गाथा में बताया है कि चिर संचीय पाव पनासनीय, बहुत भवों से संचित किए हुए पाप कर्मों को नष्ट करने वाली कोई कहानी हो, कोई कथा हो, तो ये 24 जिनेश्वर भगवंतों के जीवन की गाथा है। यदि हमने इन 24 तीर्थंकर भगवंतों की जीवन गाथा को सुना होता तो हमारे अंदर भी हमारे जो पाप कर्म है, अनेक भवों से संचित किए हुए पाप कर्म है, उसको नाश होने में देर नहीं लगती। हम टीवी में लंबी लंबी सीरियल बहुत चाव से देखते हैं। जो टीवी सीरियलों के संख्या, उसके एपिसोड की संख्या सैकड़ों तक पहुंच जाती है और प्रतिदिन हम प्रतीक्षा करते हैं कि आज क्या होगा, आज क्या होगा। वो राग की कहानी है, वो संसार की कहानी है, और जब संसार की कहानी हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी राग और द्वेष उत्पन्न होता है। इन राग और द्वेष की उत्पत्ति ने हमें इस संसार में बांध कर रखा है, लेकिन वितराग की कथा सुनने से वैराग्य उत्पन्न होता है। जो हम सुनते हैं उसके संस्कार हमारे मन में पड़ता है, पड़ते हैं, और उन संस्कारों के अनुसार हम क्रिया प्रतिक्रियाएं करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 24 जिनेश्वर भगवान की कथा सुनने से हमारे अंदर शुभ भाव
उत्पन्न होता है और वो शुभ भाव निर्जरा के कारणभूत बनता है। आगे चल करके इसी गाथा में ये कहा गया कि अब मैं ये भावना बहाता हूं कि हर रोज मुझे थोड़ा समय मिले, मैं थोड़ा समय निकालूं और उन समय में परमात्मा के जीवन की कथा को सुनूं या पढ़ूं या उनका स्वाध्याय करूं। हमारे सामने बहुत सारे ग्रंथ हैं, हमारे महापुरुषों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, अलग अलग तीर्थंकर भगवंतों के अलग अलग चरित्रों की भी रचना की है और 24 तीर्थंकरों का एक क्रमबद्ध चरित्र भी लिखा है, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी ने और 54 महापुरुष चरित्रकार ने तीर्थंकर भगवंतों का चरित्र विस्तार से लिखा है। इसीलिए कहते हैं कि वो ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जिससे हमारे मन के अंदर शुभ भाव पैदा हो और श्रावक के जीवन के अंदर एक ऐसी भावना होती है, मन के अंदर एक संकल्प करता है श्रावक कि प्रतिदिन मुझे थोड़ा समय हमारे तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन का चरित्र सुनने मिले या पढ़ने को मिले। गुजरात के महामंत्री, एक समय के बहुत बड़े मंत्री, बहुत समर्थ और शक्तिशाली वस्तुपाल और तेजपाल, जो एक जमाने के अंदर महामंत्री कहलाते थे, उन्होंने अपने जीवन की इच्छा प्रदर्शित करते हुए कहा है कि शास्त्राभ्यासो मुझे, मतलब कुछ मिले तो मैं क्या मांगू, मुझे कोई मांगने को कहे तो क्या मांगू, मैं किस चीज की प्रार्थना करूं, मैं क्या मांगू। वो बात करते हुए वस्तुपाल तेजपाल कहते हैं कि शास्त्राभ्यासो मुझे शास्त्रों का अभ्यास करने का अवसर मिले। शास्त्रों का अभ्यास करने से हमारी बुद्धि, हमारी मति निर्मल बनती है और निर्मल मति प्रज्ञा के रूप में परिवर्तित होती है। जब हमारे अंदर प्रज्ञा प्रकट होती है, प्रज्ञा से हम एक अच्छे कार्यों के लिए कटिबद्ध होते हैं। शास्त्राभ्यासो जिन पद नाति, वस्तुपाल तेजपाल ये कहते हैं कि जिनेश्वर भगवान के पदों में, जिनेश्वर भगवान के चरणों में हमेशा मुझे स्थान मिले। जब हम परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं, जब हम कल्प सूत्र का श्रवण करते हैं तो परमात्मा परमात्मा कैसे बने उसका हमें बोध होता है और उसके कारण हमें ये भाव पैदा होता है कि हमेशा मैं परमात्मा के चरणों में स्थान पाऊं। यही बात वस्तुपाल तेजपाल भी करते हैं। वस्तुपाल तेजपाल कहते हैं कि जिन पद नति, और आगे चलकर कहते हैं कि हमें संगत मिले। किसका संगत, किसका संग मिले, तो कहते हैं कि गुणी गण जन, गुणी का जो समूह है उसका हमें संग मिले और दुर्जनों से हम दूर रहें। जब किसी के दोष की बात आए तो हम मौन रहें। हम हमेशा आत्मा का ध्यान करें, आत्मस्थ रहें। ये सारी बातें वस्तुपाल तेजपाल हमेशा प्रार्थना के स्वरूप में मानते थे। शास्त्राभ्यासो जिन पद नतिम संगति सर्वदारी सत्वृत्तानां गुणिगण जन कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रिय हितवचो भावना चात्मवादे संपद्यताम मम भव भवे यावदाप्ता पवर्ग। ये प्रार्थना कब तक, तो कहते हैं कि जब तक हमें मुक्ति न मिले तब तक हमें ये चीजें मिले। ये चीजें हमें मिलती रहेगी तो हमारी मुक्ति निश्चित है। आज हम जब पुरुष
कल्प सूत्र के श्रवण करने की तैयारी कर रहे हैं तो कहते हैं कि कल्प सूत्र जो भाव से सुनते हैं, एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं, उनका मन के अंदर कल्प सूत्र के प्रति अत्यंत बहुमान होना चाहिए, पूज्य भाव होना चाहिए, उनके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जब हम कोई अपने प्रिय गीत को सुनते हैं तो इतने ध्यान मग्न हो जाते हैं, कोई विक्षेप भी हम सहन नहीं कर पाते हैं। उसी तरह यदि हम कल्पसूत्र के सुनने में एकाग्र हो जाएं, तो हमारे लिए यह कल्पसूत्र परम कल्याण का कारण बन सकता है। जो ध्रुवसेन राजा ने आचार्य श्री के पास जाकर के कल्पसूत्र का श्रवण किया तो उनके पुत्र शोक का निवारण हुआ, पुत्र का वियोग हुआ था, पुत्र के वियोग के कारण वो दुखी हुए थे और उस दुख से मुक्त हुए। ये कल्पसूत्र का प्रभाव है। हम भी इस कल्पसूत्र को ध्यान से सुनेंगे तो हमारे अंदर के कई दुर्भाव, कई विकार, कई दुर्वृत्तियां का शमन हो सकता है, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। केवल शर्त यही है कि इस कल्प सूत्र का हम श्रवण एकाग्र चित्त से करें, बहुमान पूर्वक करें, इनके एक एक शब्द को ध्यान से सुने। जिस तरह से हम श्रवण करते वक्त ये समझे कि इन कल्प सूत्र के शब्दों का मैं जो श्रवण कर रहा हूं, यानी मैं कान से सुधा का, अमृत का पान कर रहा हूं, इतना बहुमान इस सूत्र के प्रति पैदा होगा तो कहते हैं कि इस सूत्र को इस भाव से जो सुनता है वह 7 या 8 भाव में मुक्ति पा लेता है। कल्प सूत्र का प्रभाव देखिए आप कि जो कल्प सूत्र इस प्रकार से बहुमान पूर्वक पूजा यानी कि पवित्र भाव, पूजनीय भाव से बहुमान पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनता है, उनको 7 या 8 भाव में कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। आगे कहते हैं कि शायद किसी और किसी जीव में इतनी एकाग्रता नहीं है, चंचलता बहुत है, मन हमारा चंचल है। हम कई बार एकाग्रता का दावा करते हैं किंतु जब पूछा जाए कि आज के व्याख्यान में, आज के प्रवचन में आपने क्या सुना, तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं। उसका कारण सुनते वक्त हमारा चित्त कहीं और दौड़ रहा होता है, कहीं और चिंतन कर रहे होते हैं। इसीलिए अध्यात्म योगी आनंद घन जी महाराज कुंथुनाथ भगवान के स्तवन में कहते हैं कि मनडू किम ही न बाजे हो कुंथु जी न, मनडू किम ही न बाजे, जिम जिम जतन करीने राखू तिम तिम अलगू भांजे। कहते हैं कि ये मन, हे परमात्मा, मैं आपके पास आया हूं, आपकी भक्ति करने के लिए आया हूं, मैं भक्ति के लिए आपके चरणों में पूजा की सामग्री लेकर आया हूं, लेकिन ये मन है वो बाहर बाहर दौड़ता रहता है। मैं जितना जितना प्रयत्न करता जाता हूं उतना ही मन अधिक चंचल होता है। हम जब और काम करते हैं, पर पदार्थों का चिंतन करते हैं, तब मन इतना चंचल नहीं होता है, लेकिन जब हम माला फेरने बैठ जाते हैं तब हमें पता नहीं चलता है, हमारी जीभ नौकार मंत्र बोलती रहती है, मन कहीं और भागा होता है, भागता रहता है, और शरीर कहीं और है, मतलब सबकी गति विपरीत दिशा में हो रही है। इसीलिए हमारे जो जप आदि का है, मंत्र जाप आदि का परिणाम हमें जो प्राप्त होना चाहिए वो परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ये बात आनंदगंज जी जैसे योगी, परम योगी बता रहे हैं कि मनडू की मही न बाजे, मतलब मन किसी तरह एकाग्र नहीं हो रहा है। ऐसे पुरुष के लिए भी यदि वो
इस कल्प सूत्र को 21 बार सुनता है तो निश्चित रूप से उनका मन भी एकाग्र होगा, संसार के प्रति जो राग है वो राग भी समाप्त हो सकता है। ऐसा इस कल्प सूत्र का महात्म्य है। इस कल्प सूत्र की रचना कैसे हुई वो भी हमें जाननी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि इस कल्प सूत्र में जो निमित्त बने हैं, रचना के अंदर निमित्त बने हैं, उनका क्या सामर्थ्य था। ये जो कल्प सूत्र है उसकी रचना हमारे अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी, जो 14 पूर्व के ज्ञाता थे। 14 पूर्व यानी इतना विस्तृत ज्ञान, उस ज्ञान के भंडार थे। एक तरफ से ये कह सकते हैं कि उस जमाने में भद्रबाहु स्वामी ने अपने स्वाध्याय के दौरान 14 पूर्वों का अभ्यास कर लिया था और 14 पूर्व का प्रमाण परिमाण बताते हुए कहते हैं शास्त्रकार कि एक हाथी प्रमाण शाही से जो लिखा जाए, मतलब तराजू के एक पलड़े में हाथी को रखा जाए और दूसरे पलड़े में शाही रखी जाए, इंक रखी जाए, और जब पलड़ा समान हो जाए तो उस शाही से जितना लिखा जाए उतना पहला पूर्व का प्रमाण है, परिमाण है, और उसके बाद प्रत्येक पूर्व के परिमाण शाही का प्रमाण दुगुने होता जाता है। अंत में 14 पूर्व का यदि हम जोड़ करें, सारे पूर्वों के स्वरूप काम जोड़ करें तो 16,383 हाथी प्रमाण शाही से जो लिखा जाता है वो 14 पूर्व का प्रमाण परिमाण है। तो इन 14 पूर्वों में बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत सारा ज्ञान है उसमें। 14 पूर्व में प्रत्याख्यान प्रवाद नाम में के पर्व प्रवाद नाम के अध्ययन से इस दशाश्रुत स्कंद की रचना की भद्रबाहु स्वामी ने, और दशाश्रुत स्कंद के 8वें अध्ययन में कल्प सूत्र आता है। कल्प सूत्र में ये अद्भुत शक्ति है, अद्भुत ताकत है कि हमारे भावों को, हमारे शोक को, हमारे मोह को नष्ट करने की ये ताकत है। और इसीलिए पर्युषण पर्व में हम कल्प सूत्र का श्रवण करते हैं, कल्प सूत्र का अध्ययन करते हैं। शुरुआत में आचार की बात कही है, हम उस आचार की बात को आज यहाँ नहीं करेंगे, हमारे पास समय भी मर्यादित है और हमें बहुत सारी बातें करनी है। बहुत समय बीत चुका था और 23 तीर्थंकर के जन्म हो चुका था, अंतिम तीर्थंकर होना बाकी था। पूर्व के अनेक तीर्थंकरों ने 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी होने वाले हैं ऐसी घोषणा की थी, ऐसी बातें कही थी। ये महावीर स्वामी भगवान जिनका एक नाम है वर्धमान स्वामी, वो वर्धमान स्वामी उनका चरित्र इतना रोचक है, इतना अद्भुत है कि जब हम परमात्मा महावीर के चरित्र को सुनते हैं तो हमें भी आश्चर्य होता है। परमात्मा महावीर के जितने भी कल्याणक हुए उसमें से 4 कल्याणक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ। ये सारी ज्योतिष की बातें कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ, उस नक्षत्र का क्या महात्म्य है, वो ज्योतिष शास्त्र का विषय है। किंतु जब महान आत्माएं अलग अलग नक्षत्र में जन्म पाती है तो वो नक्षत्र भी महान बन जाता है। 10वें प्राणत देवलोक में से च्यवन करके देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में परमात्मा का च्यवन होता है। परमात्मा देवलोक से मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं।
परमात्मा जब देवलोक से च्यवन करके माता के गर्भ में आते हैं तब उनके साथ तीन ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। सामान्य मनुष्य का जब जन्म होता है तो उनके पास दो ही ज्ञान होता है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। हमारे पास आज अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान होता तो हम भूत भविष्य और वर्तमान के पदार्थों का ज्ञान अपने आप कर सकते थे, लेकिन हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है। हमारी आत्मा पर अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के बंधन के कारण हमें अवधि ज्ञान नहीं हुआ है। परमात्मा की एक विशिष्ट शक्ति है कि वो जन्म से ही तीन ज्ञान लेकर के जन्म पाते हैं और उनको ये पता होता है कि मेरा च्यवन हो रहा है। माता के गर्भ में जब देवानंदा की कुक्षी में त्रिलोकनाथ महावीर स्वामी भगवान की आत्मा आती है तब देवानंदा को 14 स्वप्न आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने स्वप्न की बात कही थी कि स्वप्न का भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है और कल्पसूत्र में स्वप्न के बारे में बहुत विस्तार से बात कही है कि हमें स्वप्न आते हैं, स्वप्न आना सबके लिए सहज है। ये स्वप्न क्यों आते हैं, उसका क्या महत्व है, उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, वो स्वप्न सार्थक होते हैं या निरर्थक होते हैं, वो सारी बातें भद्रबाहु स्वामी जी ने कल्पसूत्र में और उनके टीकाकार यानी उनकी जो कमेंट्री लिखने वाले महात्माओं ने बहुत विस्तार से ये स्वप्न के बारे में लिखा है। आज भी विश्व में स्वप्न के बारे में बहुत चिंतन होता है। भक्तामर स्तोत्र में भी मानतुंगाचार्य ने स्वप्न की बात कही है, वो विस्मयोत्र यदि नाम गुणेर शेषेस्तुम संशितो निरवकाशतया मुनीश दोषेर उपात विविधाश्रय जात गर्भे स्वप्नांतरे पिन कदाचित अपिक्षतोष। वो कहते हैं भक्त मानतुंग आचार्य जैसे भक्त परमात्मा की भक्ति करते हुए कहते हैं कि परमात्मा मैंने आपकी भक्ति की है लेकिन अभी तक स्वप्न में आपका दर्शन नहीं कर पाया हूं। मतलब कि हमारे अंतर जगत में, हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्सियस माइंड में अभी भक्ति की रट नहीं लगी है, भक्ति के प्रति हमारी बहुत ज्यादा तीव्र रुचि पैदा नहीं हुई। हम आज भी जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति केवल बाहर भी बाहर घूम रही है। यदि हमारे अंदर भक्ति प्रस्फुटित हो जाए तो हमारे लिए परमात्मा के स्वप्न भी सहज बन जाते हैं। देवानंदा ने स्वप्न देखे हैं। स्वप्न का एक कारण होता है हमारी प्रकृति। प्रकृति मतलब हमारे शरीर की प्रकृति, शरीर का स्वभाव। शरीर का प्रत्येक जीव के शरीर का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। शरीर के अंदर तीन तत्व होते हैं, वात पित्त और कफ। वात पित्त और कफ भी स्वप्न में निमित्त बनते हैं। शास्त्रकारों ने कहा है कि किसी किसी को स्वप्न में हवा में उड़ने के स्वप्न आते हैं, वो हवा में उड़ रहा है और जब सुबह उठता है तो उनको आश्चर्य होता है कि मैं स्वप्न में उड़ रहा था। किसी किसी को पानी में चलने के स्वप्न आते हैं, पानी में तैरने के स्वप्न आते हैं, पानी में परिभ्रमण करने के स्वप्न आते हैं, तो उनको भी आश्चर्य होता है कि आज मैंने स्वप्न में नदी में तैरते हुए देखा मुझको, आज मैंने समुद्र में पैदल चलते हुए देखा, वगैरह वगैरह। और किसी को अग्नि में
चलने के या अग्नि में प्रवेश करने के स्वप्न आते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि इन स्वप्नों से चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे तत्व प्रकृति के कारण आते हैं। जिसके अंदर वायु का प्रकोप होगा उनको हवा में उड़ने के स्वप्न आएंगे, जिसको पित्त का प्रकोप होगा उनको अग्नि में जलने का या अग्नि में बैठे हुए उसकी ताप की अनुभूति होगी, और जिसको कफ का स्वप्न होगा उसको पानी में चलना, तैरना, डूबना वगैरह वगैरह स्वप्न आ सकते हैं। तो वैसे स्वप्नों का कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार दिन में चिंतन किए हुए कार्यों का रात में एक चेन बन जाता है, और उस चेन स्वप्न के रूप में हमें दिखाई देता है। तब हमें आश्चर्य होता है कि मैंने ऐसी कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन जरा थोड़ा आप सूक्ष्म चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिन के भिन्न भिन्न क्रियाओं के जुड़ने से उसके जो थोड़े बहुत संस्कार हमारे मन में रजिस्टर हो जाते हैं, वो संस्कार एक दूसरे के साथ जुड़ करके स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। वो स्वप्न भी कोई परिणाम देने वाले नहीं है। जो स्वप्न इन सभी बातों से परे हैं और स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न परिणाम देने वाले होते हैं। देवानंदा ने 14 स्वप्न देखे हैं, अद्भुत स्वप्न देखे हैं, और उन्होंने स्वप्न में जो हम हर साल स्वप्न स्वैरेमणि के रूप में परमात्मा के 14 स्वप्न के महोत्सव मनाते हैं, माता को जब ये 14 स्वप्न आते हैं उसमें तेजस्वी रूप से देखती है माता, हाथी को देखती है, ऋषभ को, सिंह को देखती है, लक्ष्मी देवी का दर्शन करती है, फूलों की माला का दर्शन करती है, चंद्र का दर्शन करती है, सूर्य का दर्शन करती है, ध्वज का दर्शन करती है, पताका का दर्शन करती है, पूर्ण कलश का दर्शन करती है, सरोवर का दर्शन करती है, क्षीर समुद्र का दर्शन करती है, देव विमान का दर्शन करती है, और रत्न राशि का, और निर्धूम अग्नि, अंत में जाकर के निर्धूम अग्नि का दर्शन करती है। ये 14 स्वप्न है। जैन दर्शन में 14 गुणस्थानक भी बताए गए हैं। एक आत्मा जब विकासोन्मुख होता है, यानी कि जब अपनी साधना के क्षेत्र में प्रवेश करके साधना को घनिष्ठ बनाता है, तब धीरे 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 उनको एक के बाद एक गुणस्थानक के क्रमारोह का अनुभव होता है, यानी गुणस्थानक के अंदर आगे बढ़ने लगता है। ये सारे स्वप्न भी गुणस्थानक के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे अंतिम स्वप्न है निर्धूम अग्नि, निर्धूम अग्नि यानी अत्यंत पवित्र अग्नि, जिस अग्नि में धूम नहीं निकलता है, धुआं नहीं निकलता है, वैसे अग्नि को निर्धूम अग्नि कहते हैं, धुआं बिना का अग्नि। जब आत्मा 14वें गुणस्थानक में पहुंचता है तो तेजस्वी अत्यंत तेजोमय आत्मस्वरूप का अनुभव होता है, कर्मों का क्षय हो गया होता है, और मोक्ष के तरफ प्रयाण करने की कुछ ही क्षण बाकी बची होती है। उसी तरह रत्न राशि जो 13वां स्वप्न है, वो 13वां गुणस्थानक है। 13वें गुणस्थानक में केवली भगवंत जो संसार में विचरण कर रहे हैं, जिन्होंने घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, और घाती कर्मों के क्षय होने के कारण अब बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, अब केवल बंधन बचा है, तो वो बंधन आयुष्य का बंधन है, नाम का बंधन है, गोत्र का बंधन है, और वेदनीय का बंधन है। इतने बंधनों से आत्मा के गुणों को कहीं भी बाध नहीं होता है, उसका कहीं आत्मा के गुणों को नष्ट करने के
अवस्था भी नहीं बची होती है। ऐसी अवस्था को केवली भगवंत की 13वीं गुण स्थानक की अवस्था बताते हैं और उस समय हमारी आत्मा रत्न राशि, हमारे गुण रूपी रत्नों की राशि प्रकट कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब एक साधक साधना करते हुए अपने कर्मों का क्षय करता हुआ क्रमशः आगे बढ़ता जाता है तो आठों कर्मों की प्रकृतियों का, भिन्न भिन्न प्रकृतियों का क्षय करते हुए धीरे 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 कषायों पर, क्रोध मान माया और लोभ पर विजय प्राप्त करता है और विजय प्राप्त करते हुए अंत में जाकर के अपने आत्मा में पड़े हुए गुणों को वो अनुभव करता है, अपने आत्मा के गुणों को जागर कर देता है। तो ये स्वप्न एक अद्भुत स्वप्न थे, प्रशंसनीय स्वप्न थे। ऐसे स्वप्न को देखकर देवानंदा जो एक ब्राह्मण ही है, वो ब्राह्मण की पत्नी, वो ऋषभ दत्त ब्राह्मण की जो पत्नी है वो एकदम अर्ध जागृत अवस्था में थी, जाग जाती है और वो अपने 14 स्वप्नों का चिंतन करती हुई सुबह होते ही अपने पति के पास जाकर के कहती है कि आज रात को मैंने 14 स्वप्न देखे हैं। वो स्वप्न का क्या फल होगा वो मुझे जानने की अपेक्षा है, मैं आपसे वो स्वप्न जानना चाहती हूँ, स्वप्न का फल जानना चाहती हूँ। तो ये ब्राह्मण विद्वान है, पढ़ा लिखा हुआ है, तो वो कहता है कि आपके जो स्वप्न है वो प्रशंसनीय स्वप्न है, आपने जो स्वप्न देखे हैं वो कल्याण के हेतु स्वरूप स्वप्न है, आपने जो स्वप्न देखे हैं वो उपद्रवों का नाश करने वाले स्वप्न है, आपके स्वप्न से धन धन्य आदि की वृद्धि होगी, मंगल करने वाले स्वप्न है, शोभा युक्त स्वप्न है, और मुझे लगता है कि इन स्वप्नों के कारण हमारे अर्थ की वृद्धि होगी, अर्थ का मतलब है धन की वृद्धि होगी, भोगों की वृद्धि होगी, हमें पुत्र का लाभ होगा और हमें सुख का भी लाभ होगा, इस प्रकार हमारे जीवन में एक नया अभ्युदय होगा। ये सुनकर देवानंदा अत्यंत हर्षित होती है, खुश होती है, किंतु उनको ये पता नहीं था कि ये समय बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। 82 दिनों के बाद उनके मन में ये लगने लगा कि मेरे स्वप्न नष्ट हो गए, मेरे स्वप्न को किसी ने हरण कर लिया है, किसी ने मेरे स्वप्न को छीन लिया है, ये भावना उनके मन में पैदा हुई। वो दे अपने पति ब्राह्मण पति को जा करके कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरे स्वप्नों को किसी ने छिन्न चुरा लिए हैं। इस तरफ उसी नगर के राजा की रानी त्रिशला देवी को भी इन 82 दिवस के बाद स्वप्न आते हैं, वही स्वप्न है, 14 स्वप्न वही है। यहाँ एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि शास्त्रों में कहीं कहीं, मतलब दिगंबर परंपरा में 16 स्वप्न की बात आती है, श्वेतांबर परंपरा में 14 स्वप्न की बात आती है। स्वप्न 14 आए या 16 आए वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि उत्तम स्वप्न देखे। उत्तम पुरुषों का जब अवतरण होता है तभी ऐसे उत्तम स्वप्न आते हैं, उसके पहले स्वप्न नहीं आते। कोई पुण्यशाली जीव, कोई पुण्यशाली आत्मा माता के गर्भ में आने वाला होता है या आता है, तब माता को ऐसे उत्तम पवित्र श्रेष्ठ प्रशंसनीय स्वप्न आते हैं। उसका मतलब यह है कि स्वप्न कैसे आते हैं, कब आते हैं, किस अवस्था में आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये स्वप्न जब त्रिशला माता ने देखे तब वो भी हर्षित हुई है, वो भी राजा के पास जाकर के स्वप्न के फल की बात करते हैं कि मुझे इसका फल बताओ। ये स्वप्न सुनकर के राजा ने सुबह राजसभा में स्वप्न पाठकों को बुलाया। नगर में जो स्वप्न के ड्रीम के बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उन स्कॉलर्स को बुला करके कहा कि भैया रानी ने आज ऐसे स्वप्न देखे हैं, आप इनका फल कथन करो। जब ये स्वप्न का फल कथन करते हैं तो उनके सामने भी बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि एक साथ इतने महान और इतने स्वप्न का आना इस संसार के लिए एक अद्भुत घटना होगी। इस संसार के अंदर कोई एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो सभी के लिए कल्याणकारी होगा, सभी के लिए वो सुख का निमित्त बनेगा। उस समय इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है, ध्रुजने लगता है, कंपन करने लगता है। तब इंद्र महाराजा अपने ज्ञान अवधि ज्ञान से उपयोग करके देखते हैं कि मनुष्य लोक में भगवान की आत्मा च्यवित तो हुई है, च्यवन हुआ है और माता के गर्भ में पहुंचा है। वो अपने सिंहासन से उतर करके जिस दिशा में माता होती है उस दिशा में जा करके चैत्य वंदन करते हैं। उस समय जो स्तुति करते हैं, इंद्र जो स्तुति करता है उसको शक्रस्तव कहते हैं। शक्रस्तव का मतलब है शक्र यानी इंद्र, इंद्र के द्वारा जो उत्तम आत्मा है, पवित्रतम आत्मा होने वाली है, उसका स्तवन करना, उसकी स्तुति करना वो है। शक्रस्तव अर्थात नमुत्थुणम, आगम ग्रंथों में वही नमुत्थुणम हमें मिलता है और वो प्राचीनतम स्तुति है। हमारे सामने परमात्मा की स्तुति के रूप में कुछ ऐसे स्तुति के स्वरूप है जिसको हमें जानना चाहिए। लोगस सूत्र भी 24 तीर्थंकरों की स्तुति स्वरूप है, इसीलिए 24 सत्तो कहते हैं उसको। दूसरा हमारे पास जो प्राचीनतम स्तुति प्राकृत अर्धमागधी भाषा में बनाई हुई है वो शक्रस्तव है, आगम ग्रंथों में ये हमें मिलता है। और तीसरी स्तुति उतनी बड़ी और उतनी महान स्तुति है विरत हुई यानी विरस परमात्मा महावीर स्वामी की स्तुति। परमात्मा महावीर स्वामी की उस स्तुति में परमात्मा के गुणों का वर्णन है। नमुत्थुणम में परमात्मा के आध्यात्मिक गुणों का वर्णन है और लोगस सूत्र में परमात्मा के 24 तीर्थंकर परमात्माओं के नाम का ही स्मरण करके स्तवन किया है, उनको ही नमस्कार किया है। एवं मय अभिथुआ विभूय रहमना पहीण जरमाना चौबीस संपे जिणवरा तिथय रामे पश्यंतु। ये स्तुति का एक स्वरूप है, बहुत संक्षेप में स्तुति की है लेकिन बहुत गंभीर स्तुति है। उस पर एक एक वाक्य पर शास्त्रकारों ने बहुत बड़े शास्त्र लिखे हैं। तिथय रामे पश्यंतु जैसे वाक्य पर बहुत बड़े शास्त्र लिखे गए हैं कि हे तीर्थंकर भगवान हमारे पर प्रसन्न हो, हमारे जीवन को सुख से भर दो। ऐसे वाक्य के द्वारा हमारे चित्त को प्रसन्नता मिलती है, हमारे अंदर एक प्रसन्नता का भाव पैदा होता है। इसीलिए कहा है कि जो हम परमात्मा की स्तुति करते हैं उसका तुरंत मिलने वाला फल कोई हो तो वो चित्त की प्रसन्नता है। उपसर्गा क्षयम यान्ति चिद्यन्ते विघ्न वल्लय मन प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। ये
तीर्थंकर भगवंतों का चरित्र सुनना भी पर तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति स्वरूप है। जब हम तीर्थंकर परमात्मा के जीवन की गाथा सुनते हैं या उसके जीवन की गाथा बोलते हैं तो हमारे अंदर बहुमान सम्मान श्रद्धा आदि पैदा होता है। उसके द्वारा हमारे चित्त को प्रसन्नता मिलती है। इस बात को मतलब परमात्मा की स्तुति परमात्मा के जीवन गाथा को सुनने से जो लाभ होता है उसका इस श्लोक में विस्तार से वर्णन किया है। उपसर्गाक्षयम् यान्ति मतलब भगवान की कथा का श्रवण करने से उपसर्गों का नाश हो जाता है, दुखों का नाश हो जाता है। हमने देखा है कि मीराबाई के सामने बहुत सारे कष्ट आए किंतु मीरा डगी नहीं। नरसिंह मेहता के सामने बहुत बड़े प्रश्न आए, बहुत चिंता के निमित्त भी बने, लेकिन वो हमेशा परमात्मा का स्मरण करते रहते थे, भक्ति करते रहते थे, अपने आराध्य देव की स्तुति करते थे। तो वो ये मानते थे कि वही हमारे दुख को भर लेंगे, नष्ट कर लेंगे। ये परमात्मा की स्तुति का प्रभाव है। और परमात्मा की स्तुति जो करता है, जैसे आनंदघन जी ने की, जैसे उपाध्याय यशो विजय जी ने की, जैसे मानतुंगाचार्य ने परमात्मा की स्तुति की, तो मानतुंगाचार्य ने जब परमात्मा की स्तुति की तो कहते कि उनके 44 या 48 बेड़ियां टूट गई थी, मुक्त हो गए थे। ये भौतिक बेड़ियों को तोड़ने वाला स्तोत्र तो है ही, साथ में हमारी आत्मा पर कर्मों की जो बेड़ियां हैं उस कर्मों की बेड़ियों को भी तोड़ने वाला ये स्तोत्र होता है, परमात्मा की स्तुति होती है। उपसर्गा क्षयम् यान्ति छिद्यन्ते विघ्न वल्लया, विघ्नों का नाश हो जाता है। विघ्नों का जो एक परम विघ्नों की एक परंपरा है, उस परंपरा को नाश करने वाला है ये स्तवन, ये स्तुति, ये श्रवण, परमात्मा के गुणों का श्रवण, परमात्मा के जीवन की घटनाओं का स्मरण और श्रवण हमारे जीवन के अंदर क्षय लाता है, विघ्न की परंपरा का क्षय करता है। मन प्रसन्नता मेति, और तुरंत जो लाभ मिलता है वो लाभ है प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। और जब मन की प्रसन्नता होती है तब सब कुछ मंगलमय हो जाता है। सब कुछ सुविधा होने पर भी मन में प्रसन्नता नहीं होती है तो सबके बीच में भी हम दुखी रहते हैं। सभी संपत्ति रहने पर भी, सभी प्रकार की संपत्ति के बीच में रहते हुए भी यदि मन की प्रसन्नता नहीं है तो हम दुखी हैं। और यदि कुछ भी नहीं है लेकिन मन की प्रसन्नता है तो हम सम्राट बन जाते हैं। सम्राट बनने के लिए संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, प्रसन्नता की आवश्यकता है। और ऐसी प्रसन्नता परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के गुणों का श्रवण करने से प्राप्त होती है। इंद्र महाराजा परमात्मा की स्तुति करते हैं, उनके जीवन में ये बात आती है कि आज मैं धन्य हूं कि मेरे जीवन काल में ही मुझे परमात्मा के गुणों का स्तवन करने का अवसर मिला। नमुत्थुनम अरिहंताणम भगवंताणम आयिगराणम तिथैराणम, जैसे विशेषणों से युक्त परमात्मा की स्तुति करते हैं। अभी जन्म भी नहीं हुआ है, अभी केवल स्वर्ग से च्यवन होकर के माता के गर्भ में आए, तभी से मंगल होने लगता है, तभी से संसार में तीनों लोक में मंगल का एहसास होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि जब पुण्यात्मा के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उस उन दिन इस संसार के सभी जीव आनंद का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को कल्याणक कहा गया है।
कि जीवन के उनकी घटनाओं को कल्याणक कहकर, कल्याण करने वाला, मतलब मनुष्य लोक के जीवों को तो आनंद का अनुभव होता है, लेकिन नारकी के जीवों को भी आनंद का अनुभव होता है। आप देखिए कि कितना जबरदस्त पुण्य किया होगा कि उसके पुण्य के प्रभाव से क्षेत्र की सीमाएं भी मिट जाती है, समग्र सृष्टि तक उनका प्रभाव फैलता है। इसीलिए कलिकाल सर्वज्ञ जब परमात्मा के, कलिकाल सर्वज्ञ मतलब हेमचंद्राचार्य जब परमात्मा की स्तुति करते हैं, तब पहले ही श्लोक में ये कहते हैं कि सकलारत प्रतिष्ठानम अधिष्ठानम शिवश्रिय भूर्भुव स्वस्त्रेषां मार्हन्त्यं प्रणिदत् महे। मैं अरहंत्य का, मतलब अरिहंत में रहे हुए अरिहंतता का मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं। वो अरिहंतता, वो अरहंत्य इस संसार के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। हम जहां बैठे हैं वहां भी अरहंत्य है, और हम जहां जाते हैं वहां भी अरहंत्य है। इसलिए भक्त हरेक क्षण अपने साथ और अपने मस्तक पर परमात्मा के प्रभाव का अनुभव करता है, और ये मानता है कि मेरे साथ परमात्मा का प्रभाव निरंतर चल रहा है। ऐसे महान पुण्यात्मा, उनके लिए इंद्र भी स्तुति करते हैं, और उस स्तुति में अनेक विशेषणों का उपयोग किया गया है। उसमें से एक विशेषण है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण है, सभी विशेषणों पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर एक विशेषणों पर, परमात्मा के प्रत्येक विशेषणों पर हम विस्तार से चर्चा कर सके। एक विशेषण है धम्म सारहीणम, धर्म के सारथी है। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब पांडव भी श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे और कौरव भी श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। कौरवों ने प्रार्थना की थी श्री कृष्ण के, हमारे पक्ष में आ जाइए, हम आपके अपेक्षा रखते हैं। और पांडवों ने भी विनंती की है, प्रार्थना की है कि आप हमारे साथ रहिए। परमात्मा उन्हीं के साथ रहते हैं जहां धर्म होता है, जहां सद्भाव होता है। श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपके सारथी के रूप में बनकर रहूंगा। मैं न बाण चलाऊंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, केवल मैं सारथी के रूप में रहूंगा। और इसका भी स्वीकार कर लिया पांडवों ने, इसलिए स्वीकार किया कि यदि उनका सारथी के रूप में भी हमें सहयोग मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा महोत्सव होगा, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। अंत में विजय हुई। परमात्मा जिसके साथ जुड़ते हैं उनकी भी विजय होती है। महाभारत का युद्ध व्यवहारिक युद्ध है, यहाँ हम आंतरिक युद्ध की बात करते हैं। हमारे अंदर भी राग और द्वेष का युद्ध चल रहा है, प्रतिक्षण चल रहा है। उस राग और द्वेष के युद्ध के सामने यदि हमें विजेता बनना हो तो हमें वितराग परमात्मा को सारथी के रूप में चुनना होगा। ये परमात्मा है जो सारथी के रूप में हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य बन सकता है। जिस प्रकार से मेघ कुमार का जीवन धन्य बन गया, मेघ कुमार ने परमात्मा की वाणी को सुन करके दीक्षा ग्रहण की, पहले ही दिन उनका मन चलायमान हो गया। रात को ही निर्णय कर लिया था कि मैं सुबह जा करके परमात्मा को ये मेरा रजोहरण और मेरा वेश उतार करके दे दूंगा और वापिस राजमहल में चला जाऊंगा। जब वो सुबह होती है और परमात्मा के पास पहुंचते हैं, तब परमात्मा केवल एक ही बात करते हैं कि भाई अपने भूतकाल को देखो, अपने
पूर्व भव के बातों को याद करो, जो अभी आपके मन में जो भाव पैदा हुआ है, दुर्ध्यान हुआ है, वो सब समाप्त हो जाएगा। केवल इतना ही कहने से मेघ कुमार को अपने पूर्व भव की स्मृति हुई और उनमें देखा कि पूर्व भव में हाथी था मैं, और हाथी जहां मैं रहता था उस जंगल में मैंने बहुत बड़ा मैदान साफ करके रखा था, और एक बार दावाग्नि प्रकट हुई, सभी पशु बचने के लिए इस मैदान में आ गए थे। एक खरगोश भी वहां आया था, यह हाथी के रूप में ये मेघ कुमार अपने पूर्व भव को देखते हुए देखते हैं कि उस समय शरीर पर खुजली होनी हुई और पैर ऊंचा किया तो एक छोटी सी जगह बन गई, अवकाश मिला तो वो खरगोश वहां आकर के बैठ गया। उसको बचाने के लिए ये हाथी सोचता है कि मैं पैर नीचे रखूंगा तो ये खरगोश मेरे पैर के नीचे कुचल जाएगा। उसको बचाने के लिए उन्होंने 2.5 दिन तक पैर ऊंचा रखा, पैर जकड़ गया, दावाग्नि समाप्त हो गई, सब पशु चले गए, मैदान खाली हो गया था। ये हाथी पैर नीचे रखने की कोशिश करता है, उसी वक्त वो गिर पड़ता है और मृत्यु हो जाती है, और उसी वहां से वो मेघ कुमार बनते हैं। ये बात को सुन करके, देख करके मेघ कुमार के भाव बदल जाते हैं कि त्रियंच के भव में मैंने इतना दुख सहा, ये दुख तो कुछ नहीं है, परमात्मा के पास क्षमा मांगते हैं। परमात्मा ने यहाँ सारथी का रोल अदा किया और एक जीवात्मा के मन में उत्पन्न हुए भावों को स्थिर करके आत्म कल्याण के मार्ग में उनको आगे बढ़ाया, विकासोन्मुख किया। ऐसी ऐसी अनेक घटनाओं से युक्त ये पवित्रतम कल्पसूत्र हमें सुनने का अवसर मिला है, वो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आगे की बात हम कल करेंगे, आज हम यहाँ रुकते हैं। आप सब कल उपस्थित रहेंगे इस कल्पसूत्र के आगे के व्याख्यान के लिए, प्रवचन के लिए, जिसमें परमात्मा के जीवन की विकास गाथा को हम देखेंगे। अभी तो हमने केवल उनके च्यवन कल्याणक को देखा है, जन्म को भी देखेंगे, जन्म के बाद बाल्यावस्था को भी देखेंगे, वो सब बात हम कल करेंगे, आज यहीं रुकते हैं। अति सुंदर सभी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। जितेंद्र भाई, पर्युषण महापर्व के आज चौथा दिन पर आपका आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायी व्याख्यान के लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी है। आत्मशुद्धि के इस महापर्व पर आपने कल्पसूत्र की रचना के बारे में बताया और कल्पसूत्र की श्रेष्ठी के बारे में बताया, जो परम कल्याणकारक है। आपने बहुत सारी उजागर होने की बात कही जो प्रेरणादायी थी, तो हमें इसी तरह आप प्रेरित करते रहे, ऐसी भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए कल फिर मिलेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कर फिल मिलते हैं 8 बजे पैसिफिक, 10 बजे सेंट्रल और 11 बजे ईस्टर्न। जय जिनेन्द्र।